हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो संडे वाला हमारा टेस्ट है वो कब से स्टार्ट होगा, आप लोग पूछ रहे थे, और उसका प्रोसेस क्या होगा, हिंदी इंग्लिश का जो फंडा है वो क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको बहुत ही डिटेल बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन होंगे, हिंदी का पेपर कब होगा, इंग्लिश का कब होगा, दो मीटिंग है इसका, दो मीटिंग कराने का पर्पज क्या है, कौन से ग्रुप में होगा। तो इन सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर बताऊंगा कि तो आपको ध्यान पूर्वक ये पूरी वीडियो देखनी है, कहीं पर स्किप नहीं करनी है। तो आपको कोई भी एक भी मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि सर हमें समझ भी नहीं आ रहा। तो पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को आपको ध्यान पूर्वक देखना है, और इससे अदर मेंबर भी ज्वाइन हो सकते हैं जो हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, वो भी अगर इससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो उसका भी मैं यहाँ पर प्रोसेस बताऊंगा। ओके, तो सभी के लिए वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी मेंबर है, वो न्यू मेंबर है, इस वीडियो को देख रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमने एक सेकंड फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। अगर आप लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अभी इसकी जो क्लासेस है वो अभी ज्यादा नहीं हुई है, और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएंगी। इसकी अभी जो फीस है वो मात्र 100 रुपए रखी गई है। ओके, और ये 15 महीने का कोर्स है, डेडिकेटेड। वैसे इसकी फीस है 15,000 है, लेकिन 2,000 मेंबर के लिए हमने सिर्फ 100 रुपए फीस रखी है। तो अगर आप हमारे ऐप को अभी इंस्टॉल करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, और अगर आप 2000 स्टूडेंट के बीच में आते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपए में सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ए टू जेड सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप लोग इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल दी है, जाकर के पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में। आखिर जो संडे को टेस्ट होगा ये कैसे होगा और किसका प्रोसेस क्या है? तो देखिए, जो संडे को टेस्ट होगा ये टेस्ट होगा एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, और मैंने आपको बताया था हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हुआ करेगा। तो ये है टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे दीजिए, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे दीजिए। अगर आप दोनों में देना चाहते हैं तो दोनों के जो टेस्ट है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और इसकी कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, जो 100 रुपए यहाँ पर लिखा हुआ है इसको भूल जाइए, यानी कि आपने सेकंड फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लिया तो आपको ये फीस पे नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई अदर मेंबर जो हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच का मेंबर नहीं है, उसने एडमिशन नहीं लिया है, तो उसको 100 रुपए फीस है वो पे करनी है, और 15 महीने तक उसको सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, आप देखिए इसका देखिए प्रोसेस क्या है। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, जो टेस्ट है और हिंदी और इंग्लिश दोनों टेस्ट हुआ करेंगे, लेकिन ये दोनों टेस्ट पेपर हैं वो अलग अलग होंगे। ओके, ये बाइलिंगुअल नहीं है, यानी कि इंग्लिश का टेस्ट पेपर है उसमें क्वेश्चन अलग होंगे, अगर आप हिंदी का देते हैं तो हिंदी का अलग होगा। ओके, तो अगर आप दोनों क्वेश्चन को मिलाएंगे तो आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि अगर आप लोग दोनों टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो दोनों टेस्ट पेपर दे सकते हैं। आपके यहाँ पर एक ही दिन में 200 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ में जो दो पेपर होते हैं आप लोग जानते हैं, अगर पीटी का एग्जाम देते होंगे तो दो एग्जाम होते हैं, एक जीएस फर्स्ट पेपर होता है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सी सेट का पेपर होता है, जो सेकंड पेपर होता है वो सी सेट का होता है। तो इसी तरह इसको भी देखिए डिफाइन किया गया, एक 10 बजे से पेपर है, एक दूसरे से 2 बजे से रखा गया। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो टेस्ट है ये फुल लेंथ टेस्ट है, ये एवरी संडे को अब आपको हुआ करेगा। ओके, और देखिए इसके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया गया है, तो आप लोग अब आप जाएंगे तो आप सभी को ऐड कर दिया गया है एक ग्रुप बना करके, टेस्ट ग्रुप। ओके, टेस्ट ग्रुप जो सेकंड फाउंडेशन बैच के लिए, अभी मैं आपको इसकी पिक भी दिखा दूंगा, आप सभी लोग उसमें एडिट है, आपको कोई भी मैसेज नहीं करना है, ना ही कोई कोड की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जिन जिन लोगों ने एडमिशन लिया उन सभी को ऐड कर दिया गया, अभी मैं आपको एक पिक भी दिखा दूंगा। तो अब पेशेंस के साथ ऐसे नहीं कि आप तुरंत जाकर के खोजने लगे कि मैं ऐड हूँ या नहीं हूँ, सभी लोग एडेड है, जो नहीं होंगे उन्हें तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। जैसे डेली लोग एडमिशन लेते हैं, तो जो लोग आज रात में एडमिशन लेंगे उन्हें मॉर्निंग में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर आप लोगों को इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, आपको एकदम घबराना नहीं है। अब देखिए जो पहला टेस्ट है हमारा, जो संडे वाला टेस्ट है, ये पहला टेस्ट है, ये कल स्टार्ट हो रहा है, कल यानी कि 20 जून 2021 को आपका फर्स्ट टेस्ट है। ओके, तो 20 जून 2021 को आपका कौन सा टेस्ट है? फर्स्ट टेस्ट है। और इसकी टाइमिंग क्या है? जो इंग्लिश मीडियम वालों की अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम आपकी क्या करिए एकदम भूल जाइए, हिंदी मीडियम यहाँ पर भूल जाना है। इंग्लिश मीडियम वालों की जो टाइमिंग है वो 10 बजे पेपर है, वो एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग 10 बजे के बाद आएंगे तो उनको टाइम कम मिलेगा, क्योंकि ये 10 बजे से और 12 बजे के बीच में चलेगा, यानी कि इसके ड्यूरेशन है वो 2 घंटे आपको दी गई है। इसमें क्वेश्चन होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मार्क्स की बात करें
तो 200 मार्क्स हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको नेगेटिव मार्किंग बढ़त देखने को मिलेगी। मतलब 3 क्वेश्चन आपके गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। अगर मार्क्स की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 0.66 आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर काटे जाएंगे आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर। ओके, और टॉपिक क्या है, तो यानी कि जो आपका कल टेस्ट हो रहा है यानी कि 20 जून को जो आपको टेस्ट हो रहा है वो आपका टेस्ट है ज्योग्राफी का है और वो यूनिवर्स टॉपिक है। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट टेस्ट होंगे ना, तो इस तरह से आपको अभी जो आपको शेड्यूल नहीं दिया गया, देखिए पुराने बैच का शेड्यूल है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। इसी तरह से आपको जो नेक्स्ट संडे आ रहा है इससे पहले आपको पूरा जो 41 टेस्ट आपके होने वाले हैं एनसीईआरटी बेस उसका पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा कि आपका कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट संडे को टेस्ट हुआ करेगा, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते हैं। तो आपको जब भी अगर नेक्स्ट संडे आने वाला ना, इससे पहले ही आपको पूरा का पूरा चार्ट दे दिया जाएगा 41 टेस्ट का कि आपको कौन सा टॉपिक है जो इस संडे को आपका टेस्ट होगा, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, टाइमिंग क्या होगी, और साथ में आपको रिसोर्स यानी कि वो कहाँ से पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटी से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज का यूज करना है, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी ये शेड्यूल आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है, ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा 4 से 5 दिनों के अंदर, क्योंकि इसको अभी डिजाइन करना है, लिखा हुआ है बस इसको डिजाइन करना है। डिजाइन करने के बाद आपको एक इसमें डेडिकेटेड वीडियो बना करके सेंड कर दी जाएगी। तो आप लोग समझ गए, इंग्लिश मीडियम वालों को अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम का पेपर देना चाहते हैं तो आपको कितने बजे आना है, कल सुबह यानी कि संडे को 10 बजे आपको ऑनलाइन आना है, और वहां पर आएंगे तो आपको टेस्ट मिल जाएगा, आप लोग अपेयर होइए, और आपको जैसे टेस्ट खत्म होगा उसके बाद आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं हिंदी मीडियम की, अभी मैं आपको पिक भी दिखाऊंगा। ओके, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को मैं बता दूं, फिर आपको पिक दिखाऊंगा कि कहां पर वो टेस्ट होगा, किस तरह से आपको ज्वाइन करना है, किस तरह से उस पर जाकर के क्लिक करना है। ओके, आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वालों का कब टेस्ट होगा, ये तो हो गई इंग्लिश मीडियम वालों की बात। अब आप भूल जाइए, इंग्लिश मीडियम वालों ने टेस्ट दे दिया यानी कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक इंग्लिश मीडियम वालों का टेस्ट चलेगा, फिर आपका गैप है, फिर उसके बाद जो टेस्ट होगा ना, आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वालों का जो टेस्ट होगा वो 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। ये भी इसकी भी ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे के क्वेश्चन इसमें 100 होंगे, मार्क्स 200 होंगे, सेम वही है, बस क्या है इसमें टाइमिंग अलग हो गई। अब देखिए टाइमिंग अलग होने के कारण क्या है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर देना चाहते हैं तो दोनों का दे सकते हैं, और इसमें एक खास बात है, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो आपके एक दिन में ही 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो यहाँ पर एक आपका पॉजिटिव पॉइंट है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके टेस्ट होंगे, बस टाइमिंग अलग है। हिंदी मीडियम जो सिर्फ हिंदी मीडियम का टेस्ट देना चाहते हैं तो वो कब आए, 2 बजे आपको ग्रुप में ऑनलाइन आना है, आप जैसे ही ऑनलाइन आएंगे टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग टेस्ट देने लगेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर कौन सा ग्रुप है और किस तरह से उसको ज्वाइन करना है। तो आपको देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जब आप हमारी ऐप है, देखिए जो न्यू मेंबर है तो वो जाकर के हमारी ऐप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, क्लब आई असेसमेंट आप गूगल प्ले स्टोर पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो देखिए जब आप खोलते होंगे तो नंबर वन आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, तो इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, तो देखिए नीचे देखिए आपको यहाँ पर होम का ऑप्शन दिखता है, दूसरे नंबर पर बैचेस का दिखता है, तीसरे नंबर पर आपको स्टोर का दिखता है, और चौथे नंबर पर चैट का दिखता है, और पांचवें नंबर पर आपको यहाँ पर रिपोर्ट का दिखता है। तो शायद आपके में रिपोर्ट का नहीं दिखता होगा क्योंकि ये मेरी है तो एडमिन वाली थोड़ी सी अलग उसका इंटरफेस होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको जाना है सेकंड वाले पर, आपको कौन से पर जाना है, सेकंड वाले पे जाना है, बैचेस वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग बैचेस वाले पे क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पर मैंने 281 लोगों को ऐड कर दिया है, मैंने अभी इसमें ऐड किया है 281 लोगों को, तो 281 लोग हैं ये यहाँ पर एलिजिबल हैं टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इसका नाम है टेस्ट ग्रुप फॉर सेकंड फाउंडेशन बैच। ओके, इसमें सभी लोगों को ऐड कर दिया गया, जिन लोगों ने आज एडमिशन लिया या फिर रात में एडमिशन लिया उनको बाद में ऐड किया जाएगा, जैसे क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, मैं देखता हूँ उसके बाद ऐड करता हूँ। ओके, अब देखिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कहाँ पर जाना है आपको, देखिए ये बैचेस का ऑप्शन दिख रहा है ना, बैचेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप लोग ऐड होंगे, आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ना तो सेकंड इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलेगा, सेकंड इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलेगा। देखिए इसमें लाइव क्लासेस नहीं होती है, लाइव क्लासेस हमारी अलग होती है, वो सभी लोग जानते हैं जो लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए एक दिखता है ओवरव्यू का, अटेंडेंस, तो अटेंडेंस तो आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरा है तो इसमें थोड़ा सा अलग दिखता है। तो आप इसको इस तरह से स्क्रॉल करेंगे ना, तो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टेस्ट का ऑप्शन आता है, किसका ऑप्शन आता है,
टेस्ट का ऑप्शन आता है, तो टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टेस्ट यहाँ पर असाइन किए गए हैं। तो एक की टाइमिंग है वो 11 बजे है, एक की टाइमिंग है यहाँ पर 2 बजे। तो जैसे ही आप आएंगे तो अभी ये वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा है, शेड्यूल में दिखा रहा है, क्योंकि ये कब टेस्ट होने वाला है, कल टेस्ट होने वाला है, एक 10 बजे होने वाला है और एक 2 बजे होने वाला है। तो जैसे ही टाइमिंग पूरा हो जाएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ज्वाइन नाउ का। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यानी कि आप राइट टाइम पर जैसे ही यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब 11 बजे यहाँ पर डाल दिया है, ये गलत हो गया, मैं यहाँ पर करेक्शन कर दूंगा। तो ये टेस्ट है 10 बजे टेस्ट है, ओके। तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो 10 AM पर है, ओके। तो जैसे ही आप 10 AM पर यहाँ पर आएंगे तुरंत आपका एक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप इस इंग्लिश मीडियम वाले को दे सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम का देना चाहते हैं तो वो 2 बजे आए, 2 बजे आएंगे तो यहाँ पर जो सेकंड वाला टेस्ट दिख रहा है ना यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन नाउ का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो टेस्ट है वो चलने लगेगा और 2 घंटे तक ये टेस्ट चलेगा, ऑटोमेटिकली 2 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो 2 घंटे के बाद तुरंत ही आपको शो हो जाएगा कि आपकी कौन सी रैंक है, आपका कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ओके। तो यही पूरा प्रोसेस है, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप जैसे ही हमारी ऐप को ओपन करेंगे तो नीचे आपको एक बैचेस का ऑप्शन दिखेगा, तो बैचेस में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा बैचेस का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल इधर करेंगे, इस तरह से स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर बीच में एक टेस्ट का ऑप्शन आ जाता है, टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करना है और कितने बजे, 10 बजे सुबह, संडे को, संडे को 10 बजे, यानी कि तारीख कितनी है, 20 जून, ओके 20 जून। अब देखिए कुछ लोग हैं वो अलग दिन को भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जाकर के बाद में देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, सिर्फ 20 जून को है। नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट शेड्यूल पड़ेगा, जो भी संडे आया करेगा उसमें अलग अलग टेस्ट पेपर पढ़ा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर तो आपको दो टेस्ट दिख जाएंगे, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर 10 बजे होगा क्योंकि 11 बजे यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वो मैं करेक्शन कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो 10 बजे आप आएंगे तो 10 बजे यहाँ पर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक करिए, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले देना चाहते हैं तो वो आइए यहाँ पर और 2 बजे आइए, 2 बजे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाला टेस्ट पेपर ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई भी कोई सा भी ज्वाइन कर सकता है, जिसकी जो मर्जी है, दोनों देना चाहते हैं दोनों दे दीजिए, एक देना चाहते हो एक दे दीजिए, लेकिन देना जरूर है। आप ऐसा मत कहिएगा कि हम कोई भी नहीं देना चाहते, तो ऐसा नहीं करना आप लोग, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पर दे दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर अगर न्यू मेंबर है तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 मेंबर तक हमने 100 रुपए फीस रखी है, बेसिस के जो रियल प्राइस है वो कितने हैं, 15,000 रुपए। तो जल्दी जल्दी जाकर के आप लोग एडमिशन ले लीजिए, और फुल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था यूट्यूब पर जाकर के आपको एक वीडियो मिल जाएगी, डेडिकेटेड वीडियो है पड़ी हुई, आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ओके। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, कल आप लोगों का टेस्ट है, अच्छे से टेस्ट दीजिए और बेस्ट ऑफ लक, और रिजल्ट की एकदम टेंशन नहीं लेना कि आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, कितने भी हों, आपको बस पढ़ाई करते रहना है, अपनी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना है, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको अपनी निरंतरता बनाए रखनी, ओके। सब कुछ अच्छा होगा, आप लोग अच्छे से रहिए और मार्क्स मार्क्स लगा के रखिए, अभी थोड़ा सा कोरोना चल रहा है, ओके। चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो फिनिश।